15 साल 3 बार फाइनल में पहुंचने का संघर्ष और करोड़ों फैंस का एक ही सपना आरसीबी को एक बार आईपीएल चैंपियन बनते देखना। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है आईपीएल और हर टीम का एक ही मकसद होता है ट्रॉफी उठाना, लेकिन आरसीबी के फैंस के लिए ये एक इमोशनल जर्नी है, एक इंतजार है जो हर सीजन और भी बढ़ता जा रहा है। 2025 का मेगा ऑक्शन एक ऐसा मौका लेकर आया है जो शायद आरसीबी की किस्मत बदल सकता है। ये वो मंच है जहां एक सही फैसला, एक सही प्लेयर का चयन पूरी टीम की डायरेक्शन बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या आरसीबी अपनी कमियों को दूर करके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाएगी? क्या ये ऑक्शन उनका सपना पूरा करने का पहला कदम बनेगा? तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं उन 5 की प्लेयर्स की जो आरसीबी की ट्रॉफी विनिंग स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्लेयर्स टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इस साल का आईपीएल उनका बेस्ट साबित हो सकता है। तो रेडी हो, लेट्स डाइव इनटू द ड्रीम टीम फॉर आरसीबी। नंबर 1 पर आता है जोस बटलर। यार का एक्सप्लोसिव प्लेयर है, T20 क्रिकेट का एक्सपर्ट जो किसी भी बॉलिंग अटैक का सफाया कर सकता है। सोचो अगर बटलर आरसीबी की जर्सी पहने और पावर प्ले में 50 से 60 रन मार दे तो कौन सा बॉलर उसे रोक पाएगा? उनका एक्सपीरियंस और बिग मैच टेम्परमेंट उन्हें बनाता है गेम चेंजर। आरसीबी के लिए बटलर मतलब एक धमाकेदार शुरुआत। अगर बटलर अच्छे खासे फॉर्म में चले तो आरसीबी को जीत के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपने उनके पिछले कुछ सीजन देखे होंगे, 2020 में उन्होंने 863 रन बनाए थे, उसके बाद अगले सीजन में भी वो टॉप स्कोरर में एक रहे थे। और अगर वो विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने आते हैं तो दोनों ही बल्लेबाज दूसरी टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकते हैं और एक आरसीबी को अच्छी खासी शुरुआत मिल सकती है। नंबर 2 पर आते हैं ऋषभ पंत। ये बंदा सिर्फ मैच फिनिश नहीं करता, मैच पलट देता है। पंत मिडिल ऑर्डर में आए और 200 के स्ट्राइक रेट से रन मारे तो ओपोजिशन का क्या ही हाल होगा, और साथ में एक्सपर्ट विकेट कीपिंग का बोनस भी। पंत का एग्रेशन और फियरलेस एटीट्यूड मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगा। आप इमेजिन करो कि पंत और कोहली एक साथ रन चेस करते हुए पूरा स्टेडियम ही पागल हो जाएगा। और फिलहाल ऋषभ पंत जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2024 में उनके जिस हिसाब से रिकॉर्ड चल रहे हैं, वो टीम को जिताने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेयर्स के साबित होंगे। सबसे मेन बात यह है कि मिडिल ऑर्डर को ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ अब आरसीबी को एक अच्छे खासे विकेट कीपर की भी जरूरत है, तो बटलर और ऋषभ पंत दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ऋषभ पंत भी अच्छे खासे विकेट कीपर माने जाते हैं और दूसरी तरफ बटलर भी अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं, और दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में भी और ओपनिंग दोनों के ऑप्शन बनते हैं। इससे आरसीबी टीम को फायदा ही फायदा है। नंबर 3 पर आते हैं रबाड़ा। आरसीबी फैंस, आपको याद ही है ना कि हमारे डेथ ओवर्स में हमेशा हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास एक अच्छा बॉलर नहीं होता जो कि डेथ ओवर्स में अच्छी खासी विकेट निकाल के दे। पर अगर रबाड़ा टीम में आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि रबाड़ा के पास है स्पीड, कंट्रोल और सबसे बड़ी बात विकेट निकालने की काबिलियत। वो डेथ ओवर्स में अच्छी खासी प्रेशर बना सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर और विकेट्स भी निकाल के देंगे टीम को, जिससे कि टीम को और भी ज्यादा फायदा होगा। और साथ में चिन्नी स्वामी के छोटे मैदान पर रबाड़ा अच्छी खासी मैच विनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो कि चिन्नी स्वामी के स्टेडियम में एक बॉलर के पास होनी चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों के ही एक्सपर्ट हैं। शमी की डेडली स्विंग और पिन पॉइंट यॉर्कर्स आरसीबी के लिए बड़ा एसेट बन सकती है। अगर वो रबाड़ा के साथ मिलकर गेंदबाजी करें तो वो ओपनिंग में भी और साथ ही साथ डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी विकेट निकाल के दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनका आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो कि आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं और साथ ही आईपीएल में भी उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर देखा जाए पिछले साल से कि वो किस हिसाब से अपने बॉल को स्विंग करते हैं, और आईपीएल में भी उन्होंने जीटी के लिए अच्छी खासी विकेट्स निकाल के दी हैं। अगर मोहम्मद शमी आरसीबी में आते हैं तो इनकी बॉलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे कि टीम को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी है उनके डेथ ओवर्स में बॉलिंग, और ये पूरी कर सकते हैं मोहम्मद शमी। नंबर 5 पर आते हैं आवेश खान। और फाइनली एक यंगस्टर जिसमें है दम, वो है आवेश खान, इंडियन बॉलिंग अटैक का उभरता हुआ सितारा। आवेश के पास स्पीड है, एग्रेशन है और कंसिस्टेंसी भी है। अगर आरसीबी उन्हें अपनी टीम में शामिल करती है तो उनके डेप्थ बॉलिंग डिपार्टमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो कि इनके डेथ ओवर्स में चाहिए, और साथ ही साथ इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये आखिरी में आकर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपने 2024 के एक राजस्थान के मुकाबले में देखा भी होगा कि इन्होंने किस हिसाब से लास्ट बॉलों पर रन बनाकर अपनी टीम को जिताया था, जिसकी वजह से उनकी टीम आगे मैच में पहुंच पाई थी। तो आरसीबी को ऐसे भी गेंदबाज चाहिए जो कि अगर जरूरत पड़े और प्रेशर में आए तो बल्लेबाजी भी कर सके। आवेश खान वो कमी पूरी कर सकते हैं और आरसीबी को बड़े मैचेस में जीत भी दिला सकते हैं अपने बल्ले और गेंदबाजी दोनों से। इसीलिए ये प्लेयर टीम में होना जरूरी है और इस पे भी टीम टारगेट करते हुए आपको दिखेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 प्लेयर्स जो कि हमें लगते हैं कि अगर आरसीबी इनको टारगेट करके अपनी टीम में लाती है तो इस बार ये कप यही जीत के जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई और प्लेयर लगते हैं जो कि आरसीबी को अपनी टीम में जोड़ना चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।